Hello everyone and welcome to this session of Science 1 in which we are starting the chapter which is called Chemical Reactions and Equations. In this chapter, let's see what is it that we are going to study. क्या क्या है topics इस chapter में एक बार हम लोग start करने के पहले देख लेते हैं. सबसे पहले we are going to learn what are chemical reactions and what are the types of chemical reactions. After that we will study about something called exothermic and endothermic reactions. वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग एंड वी विल गेट टू नो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. जिसके अंदर दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रैंसिडिटी. एंड इन द एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज हाउ द चैप्टर इज गोइंग टू लुक लाइक एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. Let's start today with the first objective of this chapter, in which we will be able to identify the four different types of chemical reactions. From here you should start writing, because I am not giving any separate notes for this. आप वीडियो पॉज करिए, यहाँ पे जो लिखा है प्लीज वही लिखते जाइए. जितने भी चीजें आएंगी स्क्रीन पे सब लिखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा. Now before understanding what are the types of chemical reaction, let's quickly recall what is a chemical reaction. इन एनी केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड आर न्यू, वो रिएक्टेंट्स से अलग होते हैं. सो जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पे HCl एंड NaOH, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन होने के बाद जो देते हैं नए प्रोडक्ट्स उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, दो चीज़ें हैं. नेचर मतलब कैसे रिएक्टेंट्स हैं और कैसे प्रोडक्ट्स हैं, एंड सेकेंड कितने रिएक्टेंट्स हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं. उसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस चार तरह के होते हैं एंड इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. पहला वाला इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप ऑन राइटिंग एज इट कम्स. नेक्स्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द थर्ड वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी आर गोइंग टू टेक अप वन ऑफ देम, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, नाम से आपको पता चल रहा है कुछ चीज़ कंबाइन हो रही है, कुछ चीज़ जुड़ रही है. So it says when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction. मतलब दो चीज़ जुड़ के एक चीज़ दे रही है आपको. Over here A and B are combining, यहाँ पे दो होंगे but product सिर्फ एक होगा. Let's see some of the examples. Mg plus O2, देखो दो reactants हैं combine होके सिर्फ एक ही चीज़ दे रहा है आपको, MgO. NH3 एंड HCl, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट दे रहा है आपको, NH4Cl. सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप यू आर राइटिंग एज दे कम. यू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, कुछ टूटना, कुछ ब्रेक होना. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक ही रिएक्टेंट था टूट के आपको दो प्रोडक्ट दे रहे हैं. दिस इज इफ यू नोटिस इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में दो जुड़ रहे थे और एक मिल रहा था, यहाँ पे एक टूट रहा है और दो मिल रहे हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड C12H22O11, जो कि शुगर का फॉर्मूला है, इट इज ब्रेकिंग टू गिव यू टू थिंग्स, 12 कार्बन एंड 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट के आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है, CaO विच इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट दे रहा है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मूविंग अहेड फ्रॉम योर थर्ड वन विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस मतलब करना क्या होता है, किसी चीज़ को शिफ्ट करना. किसी को, फॉर एग्जाम्पल यू आर डिस्प्लेसिंग द कबर्ड इन योर हाउस, यू आर मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू आर डिस्प्लेसिंग द चेयर, यू आर मूविंग द चेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच
one reactant exchanges position with another reactant is called displacement. एक reactant दूसरे के साथ position exchange कर रहे हैं. कैसे? Look at this. Here I have A and here I have BC. यहाँ पे A ने B को displace कर दिया, तो B अलग हो गया और A C के साथ आ गया. तो A ने क्या किया, A ने B को displace कर दिया, उसको धक्का देके हटा दिया और खुद वहाँ पे पहुँच गया और B अलग हो गया. A has displaced B. So this is a displacement reaction. Let's see some of the examples. Fe, which is iron, plus CuSO4, copper sulfate. क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, Fe कॉपर को हटा रहा है और खुद जाके सल्फेट के साथ जुड़ गया. सो Fe इज डिस्प्लेसिंग कॉपर ओवर हियर टू फॉर्म FeSO4 और कॉपर साइड में अलग रह गया. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, सेकेंड एग्जाम्पल में भी यही है. Mg, विच इज मैग्नीशियम, प्लस ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट. क्या हो रहा है, जिंक हट के Mg लग जा रहा है, तो Mg ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जिंक को अलग कर दिया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मूविंग अहेड टू द लास्ट वन, विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. पहला डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा, क्या लगता है आपको? सो इन दिस केस इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज पोजिशन. पहले सिर्फ एक ने पोजिशन एक्सचेंज किया था, यहाँ पे दो लोग पोजिशन एक्सचेंज करेंगे. कैसे? There's a misprint over here. It should not be displacement. It should be double displacement. Okay, just please make that correction. This is a double displacement reaction. कैसे? A B है और C D है. Product में देखो क्या हुआ? Exchange हो गया. पहले B A के साथ था, अब B C के साथ हो गया. पहले A B के साथ था, अब A D के साथ हो गया. दोनों ने बस अपने partners exchange कर लिए. It is just like exchanging the partners. Okay? You can see examples over here. AgNO3, silver nitrate. NaCl, which is sodium chloride. Change हो गया. Ag change होके Cl के साथ गया, Na change होके NO3 के साथ गया. जब आप reaction लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे जिनके ऊपर positive sign होता है वो पहले रहते हैं, इसीलिए Ag पहले है, Cl बाद में है. NaNO3 में Na पे positive है वो पहले रहेगा, NO3 पे minus है तो वो बाद में रहेगा. And the same happens for the next reaction also. BaCl2, barium chloride, Na2SO4, sodium sulfate. This BaSO4, which is barium sulfate, and NaCl, which is sodium chloride. So these were the four types of chemical reactions that we learned today. Moving ahead, there's a small question for you to try. Write first in your notebook. It's a match the column. It's a very simple thing. यहाँ पे pause करिए और match करने की कोशिश करिए कौन सा chemical reaction कौन से type का है. Okay, let's come back to check our reactions. Answer. The first one is double displacement. This is decomposition. The third one is displacement and the last one is called combination. So I hope today we have learned the objective that you are trying to cover. We have learned the four different types of chemical reaction. Thank you so much everyone for engaging in this.